मैं आज कहानी सुनाने वाली हूँ। सबको पता है सूरत में जो बच्चों की मौत हुई थी, कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, तो उसी पर मैंने कहानी लिखने की कोशिश की है। हम तो उनका दर्द नहीं जान सकते, पर उनके उस दर्द को मैंने एक कहानी में पिरोने की कोशिश की है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी अगर कहीं से भी छूट गई तो समझ नहीं आएगी। फिर एक नया दिन, नई सुबह, नए सपने और नई उमंग। माँ, मैं कोचिंग क्लास जा रही हूँ, इतना कह के मैं घर से निकल गई। रास्ते में ही पापा का फोन आ जाता है। हेलो जी पापा। हाँ बेटा, कहाँ पहुंची? पापा, रास्ते में ही हूँ, जब पहुंच जाऊंगी तो कॉल कर दूंगी। इतना चिंता क्यों कर रहे हो आप? दरअसल आज मैं पहली बार कोचिंग क्लासेस अकेले जा रही थी। आज पापा को सुबह कोई जरूरी काम आ गया था, इसीलिए आज मुझे अकेले जाना पड़ा। हाँ पापा, पहुंचकर फोन कर दूंगी, इतना कह के उन्होंने फोन रख दिया। मैं कोचिंग क्लासेस पहुंची और सब बच्चों की नजर घड़ी पर थी कि कब कोचिंग क्लासेस खत्म होंगी। आधा वक्त बीत चुका था, तभी अजीब सी हलचल होने लगी। सब बच्चे इधर से उधर भागने लगे। बचाओ, बचाओ, आग लग गई, भागो, भागो। सब बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे, सब चिल्ला रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी आंखों के सामने सिर्फ काला धुआं छाता जा रहा था और मैं बिल्कुल डर गई थी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर वो काला धुआं मेरे सर चढ़कर बोल उठा था। एक पल के लिए लग रहा था कि मौत बिल्कुल मेरे सामने है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी जान बचाऊं, पर मैं उस काले धुएं में ही बेहोश हो गई। आखिरी शब्द जो मेरे मुख से निकले थे वो थे, माँ पापा, माँ पापा। आँख खोली तो मेरी एक तरफ मेरी माँ का रो रोकर बुरा हाल था, और मेरी दूसरी ओर मेरे पापा आंखों में छुपाए उन आंसुओं को चुपचाप बैठे थे। मैंने उन्हें कभी ऐसे नहीं देखा था। मेरे पापा बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। उनके साथ साथ वहां और भी कई लोग थे और उन सबकी आंखें भी नम थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं झट से उठती और पापा को गले लगाकर रोने लगती हूँ। पापा, ये सब क्या है? पापा, आप इतना रो क्यों रही हो? माँ इतना रो क्यों रही है? माँ कुछ तो बोलो पापा। पर वो लोग मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, वो बिल्कुल चुप थे। एक पल के लिए मुझे गुस्सा आया और मैं उन पर चिल्लाने लगी, पापा कुछ तो बोलो, आप क्यों मेरे किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हो? पर मेरे पापा मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। ये सब बोलते बोलते मेरी नजर मुझ पर पड़ी। हाँ, मैंने खुद को देखा। सफेद कपड़ों में लेटी हुई थी मैं मर चुकी थी। मैं खुद को खो चुकी थी। मैं उस काले धुएं में खुद को खो चुकी थी। माँ बाबूजी अपनी बेटी तुषार, मेरा छोटा भाई अपनी बहन को खो चुका था। हाँ, मैं मर चुकी थी। हाँ, मैं मर चुकी थी। मन में कई सवाल थे, उन सबको भी दफन उस काले धुएं में मैं कर चुकी थी। हाँ, मैं मर चुकी थी। क्या कसूर था मेरा ये तो मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि पढ़ने ही तो गई थी मैं, बस कभी लौट कर ना आ सकी।